पाए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 अगस्त यानी आज के दिन काफी सारे कार्यक्रम हमने इंडिपेंडेंस डे के किए। आज 7 जगहों के ऊपर अपने तिरंगे को फहराने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले मैं गया विजय मंडल पार्क, मॉर्निंग वॉकर्स ने, और ये वो ध्वज था जो कि आपके विधायक ने एलजी साहब के माध्यम से पूरे दिल्ली के रेडियो पार्कों में लगवाया है। बहुत ही सुंदर ध्वज, बहुत ही सुंदर तिरंगा, और मैंने बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े होशो हवास के साथ, जोश के साथ वहां के मॉर्निंग वॉकर्स के साथ मॉर्निंग में 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे को मनाया। फिर अगला पड़ाव रहा डियर पार्क। डियर पार्क में जो सवेरे, रोज सवेरे वहां एक सत्संग मंडल है, और सत्संग मंडल के साथ ही जो मुख्यतः बुजुर्ग होते हैं, या कह सकते हैं भूतपूर्व नौजवान, या कह सकते हैं वो सारे साथी जिनको भक्ति में, भगवान में विश्वास है, वो सब वहां पहुंचते हैं। रोज सवेरे सत्संग होता है। सत्संग मंडल के साथियों के साथ भी मैंने आज इंडिपेंडेंस डे मनाया। उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट पार्क गया। डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर डीडीए के द्वारा लगाए गए ध्वज को आज पहली बार हमने फहराया, और तिरंगे को फहराने के साथ ही वहां एक अजब का माहौल, गजब का माहौल पैदा हुआ। काफी सारे मॉर्निंग वॉकर्स थे, उनके साथ भी आज की जो दिन की महत्ता है, जो आज के दिन का क्या महत्व है, किस तरह से फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आज़ादी दिलाई, किस तरह से कुर्बानियां दी गई, और हमें आगे क्या करना है, उसकी भी चर्चा हमने उनके साथ की। और फिर अगला पड़ाव रहा ग्रीन पार्क एमएलए ऑफिस, जहां की कार्यकर्ताओं के साथ आज विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं को वहां एक साथ होने का मौका मिला। ध्वजारोहण भी हुआ, और साथ में मैंने धन्यवाद देते हुए कोरोना काल में साथियों ने जो काम किया, जो अद्भुत काम किया, बहुत गजब का उम्दा काम किया क्षेत्र के अंदर, पूरे कोरोना काल में एक भी दिन ना तो आपका विधायक बैठा, ना हमारे कार्यकर्ता बैठे, तो सभी साथियों को आज मान सम्मान की एक प्रशस्ति पत्र कह सकते हैं, और हम उसका दूसरा नाम दे रहे हैं कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट, तो उनको पब्लिकली हमने सबके सामने उनको सम्मानित किया, मान आदर किया। और फिर मैं आ गया B2 सफदर इंक्लेव, वहां के साथियों के साथ जहां काफी सारे पुराने साथी मिले, वहां भी हमने इंडिपेंडेंस डे के बारे में चर्चा की, बातचीत की, लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। और फिर मैं गया मैत्री मंदिर। मैत्री मंदिर में भी झंडारोहण किया, और वहां के साथियों के साथ अपने विचार साझा किए, और विधानसभा की आगे की रूपरेखा क्या होगी ये भी उनके साथ साझा किया। और फिर आया इंदिरा कैंप। इंदिरा कैंप बेगमपुर में है, वहां के साथियों के साथ एक अलग माहौल बन जाता है। काफ़ी सारे हार्ट टू हार्ट बातचीत हुई, और उनके समस्याओं को सुना भी, ध्वजारोहण भी किया, भनु ने भी अपनी बातें बताई, और बहुत अच्छा रहा। और ये जो यात्रा रही है मेरी रोज की आपके साथ, करीब करीब रोजाना में सेम यात्रा होती है, कई जगह घूमता हूँ, कई जगह जाता हूँ, कई जगह सुनता हूँ, सुनाता हूँ, काम कराता हूँ, लेकिन चूंकि आज 15 अगस्त है इसलिए आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि इस तरह से आपके विधायक ने 15 अगस्त को आपके साथ मनाया, क्षेत्र के निवासियों के साथ मनाया। मुझे आशा है कि आपने भी आज का दिन झंडारोहण के साथ, फ्रीडम फाइटर जो हमारे रहे, भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आजाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, गांधी जी हों,
इन सब की कहानियों को सुना होगा और प्रेरणा ली होगी, क्योंकि उनसे प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर करके हमें दिलाई आजादी, ये आसानी से नहीं आई है। इसलिए इस आजादी की महत्ता समझनी बहुत जरूरी है, और जो रूपरेखा तैयार की गई कि देश कैसे आगे जाएगा, जो संविधान तैयार किया गया, उसको उसके हर शब्द को इंप्लीमेंट कराना है, तभी जाकर के अपना देश एक विश्व गुरु के रूप में बन के उभर के आगे आएगा। आप को फिर से एक बार पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके सारे अरमानों को पूरा करें। देश है तो हम हैं, संविधान है तो हम हैं। जय हिंद, जय भारत।